करने के लिए पहले हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, LHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3, ये LHS का हो जाएगा। और RHS में हम सिर्फ डायरेक्टली LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 होल अपॉन 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। हम RHS में LHS में लेके जाएंगे सब कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मतलब कि माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे अपन बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, और हमारे पास x की दोनों वैल्यू आ गई।